हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज अपर सरोज। आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फटाफट आज के वीडियो में हम देखेंगे 10 कदम राउंड, पांचवा है ये। ओके, पेपर सेकंड का जियोलॉजी जो पोर्शन है उसका हम यह सीरीज चलाया था हम लोगों ने 10 कदम, और उसी में हम देखेंगे आज की आखिर आप 10 क्वेश्चन कितना आप कर पाते हो। ओके, आप खुद को एनालाइज करो कि आप कहाँ पे हो। ओके, पेपर जो है होने वाला 4 दिन बाद, तो एग्जाम में आप ये जज करो कि आप कहाँ पे हो। इसीलिए दम सीरीज जो चलाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप 1, 2, 3, 4 जो सीरीज है वो देख लीजिए। ये पांचवा चल रहा है। ओके, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा एग्जाम के पहले। एक रिफ्रेश माइंड से आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो, 10 कदम राउंड हम देखेंगे पांचवा। ओके, तो ये पांचवा राउंड है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नीलगिरीज एंड राजमहल माउंटेन्स आर क्लासिफाइड एज। देखो, नीलगिरीज और राजमहल माउंटेन्स हैं, उनको कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है? वो फोल्ड माउंटेन है कि ब्लॉक माउंटेन है, या वोल्केनिक माउंटेन है, या फिर रेसिड्यूअल और डाइसेक्टेड माउंटेन है। तो ये रेसिड्यूअल और डाइसेक्टेड माउंटेन है, याद रखिएगा, रेसिड्यूअल और डाइसेक्टेड माउंटेन है ये नीलगिरीज और राजमहल माउंटेन्स की बात करें। ठीक है, अगर हम बात करें रेसिड्यूअल माउंटेन की, तो ये वो माउंटेन्स होते हैं जिनको मतलब इरोड कर देते हैं जो विंड्स होती हैं, या जो सेडिमेंट्रीज होते हैं, या जो भी सैंड्स होते हैं, ये सब एक जगह से दूसरी जगह लेके चले जाते हैं। तो ये ऐसे माउंटेन्स होते हैं जिनके कुछ पोर्शन जो है इरोड हो जाते हैं। तो यहाँ पर समझो कि ये जो माउंटेन्स होते हैं ये इरोड हो जाते हैं कुछ एजेंट्स के द्वारा, जो डिग्रेडेशन के थ्रू ये काम करते हैं, जैसे विंड हो गया, रेन हो गया, फ्रॉस्ट या रनिंग वाटर हो गया। तो ये सब की वजह से क्या होता है, जो हार्ड रॉक्स बच जाता है उसी को रेसिड्यूअल माउंटेन हम बोलते हैं। और ये आपको स्पेन में और USA में भी देखने को मिलेगा, रेसिड्यूअल माउंटेन की बात करें तो। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। टू कह रहा है क्राकाटुआ एंड फुजियामा आर एग्जांपल्स ऑफ। देखो, क्राकाटुआ और फुजियामा जो है ये किसका एग्जांपल्स है, कौन सा वोल्केनो है ये? क्राकाटुआ फुजियामा एक्टिव वोल्केनो है, डोरमेंट वोल्केनो है, या एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, या फिर स्टार्टअप वोल्केनो है? देखो, एक्टिव वोल्केनो मतलब कि जो एक्टिव है, कभी फूट सकते हैं, है ना। डोरमेंट वोल्केनो मतलब काफ़ी दिन हो गया है, फूटे नहीं है लेकिन फूट सकते हैं। एक्सटिंक्ट मतलब जो इनका कोई नामोनिशान ही खत्म हो गया है, ऐसा लगता है कि अब नहीं फूटने वाले हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। और स्टार्टअप वोल्केनो क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टअप वोल्केनो वो वोल्केनो होता है जिसको हम जिसमें मल्टीपल स्ट्राटा होता है, यानी कि लावा होता है, टैक्रा होता है, ठीक है, ऐश होते हैं, वोल्केनिक ऐश। तो ये जो वोल्केनोज होते हैं ये इनका सीड साइड्स होते हैं, इसमें क्या होता है, ये यूजुअली इरप्ट हो सकते हैं और वॉलेंटली भी इरप्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो यही पूछ रहा है, तो एग्जाम्पल में समझिए, ये क्राकाटुआ और फुजियामा जो है ये कौन से वोल्केनो है, स्टार्टअप वोल्केनो, याद रखिएगा, स्टार्टअप वोल्केनो है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ये, ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखेंगे, एलिफास क्या है? देखो, अफ्रीकन एलिफेंट है, इथोपियन एलिफेंट है, इंडियन एलिफेंट है, या फिर ऑस्ट्रेलियन एलिफेंट है? देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन एलिफेंट। एशियन एलिफेंट को हम एलिफास बोलते हैं, पास की बात करें तो ये इंडियन एलिफेंट है, यानी एशियन एलिफेंट कहा जाएगा द एलिफास, याद रखिएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेम द पार्टली मेल्टेड रॉक लेयर ऑन विच द प्लेट मूव्स। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा कौन सा पार्टली मेल्टेड रॉक लेयर है जहां पर प्लेट्स जो है मूव कर जाते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ मिनरल्स ऑलवेज फाउंड इन ग्रेनाइट। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है ऐसा कौन सा पेयर है मिनरल्स का, ये सारे आप देख पा रहे हो, ये जो आपको दिख रहा है ऑप्शन, ये मिनरल्स है, ओके, ज्यादातर आपको ग्रेनाइट्स में देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसा कौन सा पेयर है मिनरल्स का जो ग्रेनाइट्स में आपको देखने को मिल जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देखो इसको। मस्कोविट कैल्सिक, क्वार्ज एंड ऑर्थोक्लेज, हॉर्नब्लेंडी एंड टाफ, एंड ऑगाइट एंड मैग्नेटाइट। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वार्ज एंड ऑर्थोक्लेज, याद रखिएगा। ये दोनों पेयर है मिनरल्स का जो ग्रेनाइट में आपको मोस्टली देखने को मिलेगा, ज्यादा ही हमेशा ही आपको मिल जाएगा, ग्रेनाइट में पाए जाएंगे ये मिनरल्स, ठीक है। बढ़ते आए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच रिवर डज नॉट मीट डेल्टा। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हर बार एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है। रिवर्स के टॉपिक से अगर आप देखा जाए तो बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है ये। कहता है कि ऐसा कौन सा रिवर है जो डेल्टा नहीं बनाता, ठीक है, डेल्टा समझते हो ना, डेल्टा नहीं बनाता, गंगा, गोदावरी, ताप्ती या महानदी, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा डेल्टा नहीं बनाता? देखो, दो ही रिवर है, या तो नर्मदा हो गया या तो ताप्ती हो गया, यही दो रिवर जो है डेल्टा नहीं बनाते हैं, एक नर्मदा हो गया, एक ताप्ती हो गया। देखिए, ऑप्शन में आपको नर्मदा नहीं दिया है, यहाँ पर आपको ताप्ती दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती। ताप्ती जो है, ताप्ती जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स मेड बाय लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म दैट फॉर्म्स रॉक एलिवेशन लाइक रिजिड आर नोन एज। देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑर्गेनिक डिपॉजिट, जो भी ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स यहाँ जमा हो जाता है समुद्र में, आप देखोगे कोई भी वो लिविंग या डेड ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाया जाता है जो भी ऑर्गेनिक डिपॉजिट, तो वो क्या बना देते हैं, एक रॉक एलिवेशन टाइप का बना देते हैं, मतलब रिजिड मतलब बहुत कठोर जो, तो उस टाइप का बना देते हैं, फॉर्मेशन कर देते हैं समुद्र में, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, कोरल्स बोलते हैं, कैनियंस, रीफ्स या ग्यूर्स बोलते हैं? तो याद रखिएगा, रीफ्स बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रीफ्स, ठीक है। आपने सुना होगा कोरल रीफ्स, तो यही है रीफ्स। रीफ्स अलग चीज है, कोरल थोड़ा अलग होगा। देखो, रीफ्स यहाँ पे समुद्र में दिख रहा है, ये चीज है, ये बन जाते हैं रीफ्स इस टाइप से, ठीक है। थोड़ा रिजिड में होते हैं, ये कठोर होते हैं, समझिए इसको, ठीक है, रीफ्स होते हैं। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नेम द सुपर कॉन्टिनेंट
to which all the landmass on earth are joined approximately 600 million years ago. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा सुपर कॉन्टिनेंट है जहां पे क्या हुआ, जो भी लैंडमास था ना अर्थ का वो सब ज्वाइंट हो गए, मतलब ये 600 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था. ठीक है, तो देखो इमेज में देखो, पहले हमारा पृथ्वी कैसा था, बिफोर देखो इस तरीके से दिख रहा है, पूरा ज्वाइंट था. ठीक है, इसको हम बोलते हैं पंजिया. ठीक है, ज्वाइंट था तो पंजिया था. अब क्या हुआ, जब टुकड़ों में बटा तो नॉर्थ अमेरिका इधर चला गया, यूरेशिया इधर, अफ्रीका इधर, साउथ अमेरिका इधर, समझ में आया. तो इसी को बोल रहा है, तो यहाँ पे पहले जो था वो क्या था, सुपर कॉन्टिनेंट पंजिया, इसको हम पंजिया बोलते हैं, याद रखिएगा पंजिया बोलते हैं इसको. ठीक है, एग्जाम में आ सकता है आपके. आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नोन एज कार्बन सिंक ऑफ द ग्लोब. देखो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा ऐसा रीजन है जिसको कार्बन सिंक ऑफ ग्लोब कहते हैं, तो यहाँ पे क्यों बोलते हैं इसको पहले तो ये समझो. देखो कार्बन सिंक ऑफ ग्लोब मतलब ये होता है कि देखिए हमारे द्वारा जो कार्बन छोड़ा जाता है तो होता क्या है, उसमें जो हम कार्बन छोड़ते हैं तो वो किसी ना किसी के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है. अब किसके द्वारा कैप्चर किया जाएगा, हमने कार्बन डाइऑक्साइड एयर में छोड़ा, ठीक है, वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा, प्लांट्स के द्वारा, फॉरेस्ट के द्वारा, है ना, ओशियंस के द्वारा. तो यही क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा रीजन है जो कार्बन सिंक कहलाएगा, अंटार्कटिक, सवाना, नॉर्थ वेस्ट यूरोप या फिर सी एंड फॉरेस्ट. देखो सी एंड फॉरेस्ट जो है ये राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, सी और फॉरेस्ट जो है ये सबसे ज्यादा कार्बन सिंक है पूरे ग्लोब में, याद रखिएगा. ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा. अ फ्लैट टॉप सी माउंट इज नोन एज. देखो इमेज में देख पा रहे हो, ये सी माउंट है, इसको हम बोलते हैं समुद्र का टीला. ठीक है, इस टाइप से बन गया है, इसको बोलते क्या है, ये है क्या. ठीक है, तो इसको हम बोलते क्या है, देखो गाय, लाहेर, गोट या कीन, तो गियोट बोलते हैं इसको, गियोट बोलते हैं इसको, याद रखिएगा. जिसको जो एक फ्लैट टॉप सी माउंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गियोट. एग्जाम में आपसे पूछने के चांसेस यहाँ से बढ़ जाते हैं. इमेज में देख लो, अगर कोई दिक्कत है तो इमेज देख के आप समझ सकते हैं ना. तो ये आज के ये 10 कदम सीरीज 5 था, जैसे कि आपने देखा. तो आपके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन है, वो देखो आप. डीप सी ट्रेंचेस आर फीचर्स ऑफ, देखो डीप सी ट्रेंचेस आप कहाँ पे देखने को मिलेंगे, मैप में देखो. ठीक है, उस साइड में आप मैप में आप समझ सकते हो डीप सी ट्रेंच कहाँ पे है, इतना गहरा होता है ये. इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन, कहाँ पे आपको मिलेगा डीप सी ट्रेंचेस. ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे. ये क्वेश्चन आपके लिए था, स्पेशल क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा. ओके, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा. चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.